जबलपुर के गोरा बाजार स्थित चैतन्य सिटी के रहवासी बिल्डर की मनमानी से और गुंडागर्दी से परेशान हैं। यहां के राहगीरों का आरोप है कि बिल्डर ने चैतन्य सिटी में फ्लैट और मकान बेचते वक्त उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था। यहां के लोगों ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि बिल्डर अब गुंडागर्दी और मनमानी पर उतर आया है। जब यहां रहने वाले उससे रोड, सड़क, पानी और बिजली उपलब्ध कराने की बात करते हैं तो वो गुंडों के माध्यम से उन्हें डराते, धमकाते और मारपीट करता है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई करने की मांग की है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि बिल्डर के गुंडे हमेशा ही चैतन्य सिटी में मौजूद रहते हैं और गुंडागर्दी के साथ साथ यहाँ की महिलाओं से छेड़खानी भी करते हैं। हम लोग सभी चैतन्य सिटी वासी जो बिल्डर द्वारा कॉलोनी में कार्य कराए जाने थे, सड़क, पानी, बिजली और जो उनके जो गुंडे जो उन्होंने दरवाजे पर बिठाल के रखे हैं आदर्श अग्रवाल जी ने, उन सब के विरोध में हम सब लोग आज थाने में ज्ञापन देने आए थे। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं इसके पूर्व में भी, और अभी भी परसों के दिन हमारी कॉलोनी के रहवासी सोहन सिंह साहब जो हमारी कॉलोनी के अध्यक्ष भी हैं उनके साथ भी कुछ जानलेवा हमला किया, मारपीट की, उन्होंने रिपोर्ट की है। और जो आए दिन जो घटनाएं होती हैं, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें सब वहां से निकलती हैं और जिनको हमेशा छींटा कसी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ पुलिस प्रशासन से, शासन से अनुरोध ये है कि जो इस तरह की घटनाएँ हैं कॉलोनी में, असामाजिक तत्व का आना जाना बिल्कुल बंद हो। दूसरी बात, जो कॉलोनाइजर को जो सुविधाएं कॉलोनी वालों को देना चाहिए, जो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया कि वो कॉलोनी नगर निगम के हैंडओवर हो चुकी है और उसको कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, इसके बावजूद भी कॉलोनी में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है। हम लोग सब टेम्प्रेरी कनेक्शन में रह रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हमने ये का ज्ञापन दिया है और निश्चित तौर से हम अगले ज्ञापन SP साहब को, कलेक्टर साहब को मिलेंगे और उसके बाद भी अगर हमारी कॉलोनी की समस्याएं, हमारे रहवासियों की समस्याएं का